राष्ट्रीय संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयंती। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि यदि कोई पुस्तक पृथ्वी के सही आकार, गुरुत्वाकर्षण और उसके अपने एक्सिस या अपने अक्ष पर झुके होने वाली बात विदेशी खगोलविदों से हजारों साल पहले से ही करती आ रही हो, तो निश्चित ही वो एक असाधारण पुस्तक है। और जैसा कि हमने कहा था पिछले अंक में कि हम आपको खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई एक ऐसे ही पुस्तक के बारे में बताएंगे जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत और इसके रचयिता है मय विश्वकर्मा। सूर्य सिद्धांत को ज्योतिष शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है और उसे स्वयं सूर्य देव से जोड़ा जाता है। महर्षि व्यास ने स्पष्ट कहा है कि नक्षत्र, ग्रह और चंद्र का मूल सूर्य में है और इनकी उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। आधुनिक विज्ञान भी सृष्टि की उत्पत्ति को सूर्य से जोड़ता है। ऐसे सूर्य देव के सिद्धांतों को हम तक पहुंचाने वाले मय विश्वकर्मा हैं। वराह मेहर और लाट देव के नाम भी सौर सिद्धांतों से जुड़े हैं, परंतु सूर्य सिद्धांत मय विश्वकर्मा रचित ग्रंथ ही है जिसके आधुनिक रूप में 14 अध्याय और 500 श्लोक हैं, जिनमें ज्योतिष शास्त्र के कई प्रश्नों के उत्तर हैं। स्पष्ट है कि सूर्य सिद्धांत में सृष्टि के निर्माण से लेकर खगोल विज्ञान से जुड़े हुए कई प्रश्नों के उत्तर हैं और इस बात को विदेशी विद्वान भी मानते हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात को मानने में दिक्कत हो रही है कि सूर्य सिद्धांत भारतीय है, क्योंकि वे सूर्य सिद्धांत को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। चलिए पहले सिद्ध करते हैं कि सौर सिद्धांत भारतीय है। उससे पहले हमें मय विश्वकर्मा की कथा में बहुत पीछे जाना होगा, जब मय विश्वकर्मा महर्षि कश्यप और द्विति के पुत्र मय थे। यदि मन में कोई प्रश्न हो तो कहो द्विति। नहीं स्वामी। अभी सहज नहीं हो तो आगे कभी कह देना, परंतु ये ना कहो कि प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये असत्य होगा। मैं देख सकता हूं तुम्हारा मन व्यथित। सत्य तो यह है स्वामी कि मुझे हमारे पुत्र मय की चिंता हो रही है। माता की पुत्र के लिए चिंता नित्य है नीति। ये साधारण चिंता नहीं है स्वामी, उसके प्रश्न, उसकी जिज्ञासाएं और उसकी महत्वाकांक्षाएं न जाने उसे किस राह ले जाएंगी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। पिताश्री, मुझे सूर्य का संसार समझना है, चंद्रमा का भी और पृथ्वी का भी। मुझे इस ब्रह्मांड को समझना है, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारों का ज्ञान चाहिए मुझे। उचित, मगर उससे होगा क्या? प्रथम मैं संसार को समझूंगा और इसके पश्चात नया संसार रचूंगा। तो तुम्हें संसार का रचयिता बनना है? नहीं पिताश्री, इतना तो मुझे भी ज्ञात है कि मैं संसार का रचयिता नहीं बन सकता, परंतु हाँ इतनी इच्छा अवश्य है कि मेरी रचनाएं संसार में अद्वितीय हों। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, इसका संसार हमसे पृथक है और मेरी समस्या तो परे है। अब आप ही समझिए और समझाइए, इसका संसार एक भ्रम है। अभी मेरा कोई संसार नहीं है माता। मैंने कहा ना, प्रथम मुझे इस संसार को समझना और सर्वप्रथम सूर्य को। तो प्रतीक्षा किसकी, आरंभ करो। आरंभ करूं? परंतु क्या पिताश्री? सूर्य की आराधना, चिंतन और ध्यान। सूर्य के ताप में तपोगे तभी कुंदन बनोगे।
हाँ, तब से सूरज की तपस्या करना सहज नहीं, लेकिन यही उचित मार्ग। आपने ही कहा है मार्ग कठिन है, ऐसे में सूर्य ही क्यों? हमारा पुत्र ब्रह्मांड को, सृष्टि को समझने की इच्छा रखता है दीदी, और सूर्य वह है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वही आदि में सर्वप्रथम प्रकट होकर आदित्य और सृष्टि की उत्पत्ति कर सूर्य कहलाते हैं। का ध्यान करो तो ब्रह्मांड को जान जाओगे। देखा आपने, सीधे सीधे नहीं कहा कि सूर्य का पूजन करो, कितनी स्पष्ट और वैज्ञानिक पद्धति है जहां पूजन भी प्रयोग बन जाता है, और ये पूर्णतया भारतीय पद्धति है जिसमें जिसे जानना हो उसका ध्यान करो, उसके लिए तप करो, और तप चाहे देवता करे या असुर, सभी को उचित परिणाम प्राप्त होते हैं। अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरः रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासुर ज्ञानमुत्तमं वेदांगमग्रयमखिलं ज्योतिषाम गतिकारणं आराधयन् विवस्वन्तं तपस्तेपे सुदुश्चरम्। तपसाते प्रीतः तस्मै वरार्थिने ग्रहाणां चरितं प्रादान्मयाय सविता स्वयं। मैं विश्वकर्मा, मैंने तुम्हारे भाव को समझ लिया है, परंतु मैं काल और ग्रहों के ज्ञान से पूर्ण ज्योतिष को तुमसे कहूं, उससे पूर्व कहो कि तुम्हें इस ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। हे आदित्य, यद्यपि आप मेरा भाव समझते हैं, परंतु मैं स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रथम उद्देश्य संसार की उत्पत्ति को समझना है। और द्वितीय? मुझे वैभव और समृद्धि से प्रेम है। तो इस हेतु ज्योतिष का मार्ग ही क्यों? क्योंकि संसार में निर्माण अर्थात शिल्प एवं वास्तु विज्ञान, कृषि, व्यापार एवं यात्रा से जुड़े ज्ञान के सफल उपयोग से ही समृद्धि संभव है, और इन सभी के आधार में ज्योतिष का ज्ञान है। उत्तम पुत्र, उत्तम। तुम असुर अवश्य, परंतु तुम्हारा उद्देश्य असुर ही नहीं है। मैं इस उत्तम ज्ञान को तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा, इसे ध्यान से सुनो पुत्र। अच्छा बताइए कि महर्षि कश्यप, दिति और सूर्यदेव किस भूमि के किरदार हैं? तो उत्तर है भारत भूमि के। अभी तक की कथा में इनके वर्णन से ये तो स्पष्ट है कि सूर्य सिद्धांत भारत में लिखा गया, और इसके रचयिता मैं विश्वकर्मा एक भारतीय हैं। परंतु इस ज्ञान को संभालना क्या इतना सरल रहा होगा? ईश्वर, ईश्वर, ऋषिवर, मैं आ गया, परंतु परंतु क्या पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? मैंने आपसे कहा था ना, सूर्य के ताप के सम्मुख मैं को मत भेजो, परंतु शांत दीति, शांत। प्रथम पूरा सत्य तो जान लो। कहो पुत्र, कहाँ है मैं, और तुम इतने असहज क्यों? ऋषिवर, मैं पूर्णतः शांत है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, उसे पुकारने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे मति भ्रम हो गया है। मति भ्रम? नहीं पुत्र, यह संभव। परंतु यह संभव हो गया है आचार्य। पुत्र मैं आचार्य, आप
मैंने आपसे कहा था ना कि आपका असुर पुत्र असुर ही रहेगा। आचार्य, देवी अदिति, क्रोध आपका स्वभाव है, परंतु त्याग दीजिए और ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि आपके पुत्र को मति भ्रम हुआ है या वो आसुरी निद्रा में। आचार्य, मुझे जानना है कि ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, पृथ्वी का आकार क्या है। अरे, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वेदों का अध्ययन करना होता है, शास्त्रों को जानना होता है, और उसका अधिकार हमें है, मात्र हमें, असुरों को नहीं, क्योंकि वे निम्न हैं, नीचे हैं, और हम सभी से ऊपर सर्वश्रेष्ठ। सर्वत्रयो मही गोले स्वस्था नमु परिस्थितम मनियंते खेयतो गोलस्तस्य कोर्ध्वं क्वा वाप्यधा। आचार्य, आप ही नहीं, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य स्वयं को सभी से ऊपर मानता है, किंतु आप ही की भांति वो ये नहीं जानता कि यह पृथ्वी का गोला अंतरिक्ष में स्थित है, यहाँ क्या उच्च और क्या निम्न। आचार्य, आप तो इतने में ही चौंक गए, तनिक सोचिए, मुझे तो ज्योतिष के महान ज्ञान का अनुभव हुआ है, मुझे कितना अभिभूत होना चाहिए। आचार्य, इस विशाल ज्ञान सागर में मेरा खो जाना स्वाभाविक था, परंतु आपने उसे आसुरी निद्रा कह दिया। हाँ हाँ, कहा मैंने आसुरी निद्रा, क्योंकि तुम एक असुर हो। संभवता अब नहीं, अब मैं असुर नहीं हूं। क्या है असुर? जो अंधकार में है, जिस पर सूर्य का प्रकाश ना हो, ज्ञान का प्रकाश ना हो, वही है असुर। परंतु स्वयं भगवान सूर्य की कृपा जिस पर, क्या उसे भी आप असुर कहेंगे? आचार्य, अब मैं मात्र मैं नहीं हूं, अब मैं भगवान सूर्य का शिष्य, मैं विश्वकर्मा हूं। मैं अब मैं विश्वकर्मा है, और उन्होंने सूर्य सिद्धांत को सूर्य से जाना, उनसे आगे कई ऋषियों ने भी। हमने देखा कि सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी को हजारों वर्ष पहले ही गोल बता दिया गया था, और सच तो यह है कि सूर्य सिद्धांत खगोल विज्ञान के आधुनिक ज्ञान से कई प्रकार से जुड़ा हुआ है। जानेंगे विस्तार से अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से, और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। तब तक के लिए नमस्कार। संगमनी वसुना।
ऋषी प्रथमा यज्ञियानाम् ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्राम् भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।